मेरा नाम है अभय एंड वेलकम टू विजडम टीवी। दोस्तों हम पहुंच गए हैं डेथ ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज के फाइनल एपिसोड में। इसका मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज को आखिरी अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। और अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो। अब शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा लिया सबको बताती है कि ये थ्री मदर्स पावरफुल मैजिकल बींग्स को पकड़ कर अपने चाइल्ड को खिलाती हैं और इनका जो चाइल्ड है वो मैजिकल फूड चेन का एपेक्स प्रेडेटर है। यंग डॉक अपनी बॉडी चेक करके पता लगाता है कि उसकी सोल और उसका सामान भी चोरी हो गया है। और जब क्लिया पता लगाती है कि वो किसने चुराया है तो वो मोर्डो होता है। मोर्डो के पास जाकर पता लगता है कि उसके कासल पर ये सामान कुछ देर पहले ही कहीं से आया है और इसके बारे में कार्ल मोर्डो को कुछ नहीं पता होता। इसका मतलब मोर्डो निर्दोष है। और फिर आगे पता लगता है कि थ्री मदर्स ने डैगथ नाम के एक वॉरलॉर्ड को खत्म कर दिया। यंग डॉक ये जानने के बाद और ज्यादा परेशान होने लग पड़ता है। अब आगे डॉक बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है ये जानकर कि मदर्स ने एक वॉरलॉर्ड को मार डाला। डॉक्टर स्ट्रेंज बस कहता रहता है, मैं क्या सोच रहा था कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, अपने मरने पर एक बैकअप प्लान बनाकर पता नहीं मैं खुद को क्या समझ रहा था। मुझे तो इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, उनका अगला हमला किस पर होगा वो मैं कुछ नहीं जानता। डॉक्टर स्ट्रेंज बस परेशान हो रहा होता है कि तभी क्लिया वहाँ आकर उसके गाल पर किस करती है और वो चुप हो जाता है। क्लिया कहती है, तुमने सोचा होगा कि तुम डॉक्टर स्ट्रेंज हो, मास्टर ऑफ ब्लैक आर्ट्स, और मुझे तुम पर विश्वास है क्योंकि तुम्हारा यहाँ इस समय पर आना पहले से ही तय था। हम सबको तुम पर विश्वास है और तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। डॉक आंखें बंद करके सोचने लग पड़ता है कि तभी बैट्स कहता है, हे डॉक। डॉक कहता है, हेलो बैट्स, माफ करना, इतना सब कुछ हो रहा है कि इसके बीच में मैं तुमसे बात ही नहीं कर पाया। बैट्स कहता है, अरे कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम बिजी हो और वैसे भी तुम मुझे जानते भी नहीं, लेकिन मुझे तुमसे उसकी स्मेल आती है। डॉग बैठ जाता है और कहता है, पता है मुझे हमेशा से एक डॉग चाहिए था, शुक्र है फ्यूचर में मुझे एक डॉग मिल ही गया। बैट्स कहता है, या यूं कहो कि मुझे एक ह्यूमन मिल गया। फिर बैट्स कहता है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर टहलने चलोगे। फिर बैट्स और यंग डॉग वॉक पे निकलते हैं। डॉग कहता है, अगर मोर्डो ने ये नहीं किया तो और कौन हो सकता है। बैट्स कहता है, जो तुम दोनों को हेट करता हो। ये मामला मुझे एक तीर से दो निशानों वाला लग रहा है डॉग, कोई ऐसा है जो मोर्डो की तरह दूसरों की पावर्स बोरो कर सकता है, पर ऐसा कौन ही होगा जो तुम्हें और मोर्डो दोनों को मारना चाहता हो। डॉग कहता है, कोई ऐसा जो जानता था कि मेरी मौत का शक सबसे पहले मोर्डो पर ही जाएगा, जो उसे और मुझे भी अच्छे से जानता। फिर डॉक के दिमाग में अचानक से कुछ आता है और वो भागने लगता है। बैट्स कहता है, डॉक डॉक क्या हुआ। डॉक भागते हुए कहता है, कम ऑन बैट्स, मुझे कुछ मिला है, लेकिन सबसे पहले हमें सभी प्लेयर्स को एक जगह पर इकट्ठा करना होगा क्योंकि ये एक मिस्ट्री है, तो इसे इसी तरह ही सुलझाना पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद डॉक वॉन्ग को कुछ मैजिशियंस को इकट्ठा करने को कहता है किसी स्पेल के लिए। फिर डॉक क्लिया को वॉरलॉर्ड्स को एक जगह पर लाने को कहता है। क्लिया कहती है, मैं डार्क डायमेंशन की सॉर्चरर सुप्रीम हूँ, मेरी बात वॉरलॉर्ड्स ने नहीं मानी तो उन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर कुछ देर बाद स्ट्रेंज इलियाना और क्लिया के साथ वॉरलॉर्ड्स के सामने पहुंचता है और डॉक कहता है, तुम सभी मुझे जानते ही हो और ये भी जानते ही हो कि मेरे साथ क्या हुआ है और तुम सबका उसमें कितना कितना हाथ है। फिर वॉरलॉर्ड स्ट्रेंज का मजाक उड़ाने लग जाते हैं ये कहकर कि वो उससे नहीं डरते और ये बेकार का इल्जाम हम पर मत लगाओ। डॉक कहता है, ठीक है, सबको सच्चाई चाहिए तो सुनो, मुझे मारने के लिए आम मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया गया था, मुझे मारने वाले के पास चार ड्रेड वॉरलॉर्ड्स की पावर थी, इसलिए वो मुझे हरा पाया। पर ऐसा क्यों किया किसी ने, क्योंकि पृथ्वी पर जब तक बैरियर लगा था तब तक कोई भी वॉरलॉर्ड अंदर नहीं घुस सकता था और मेरे मरते ही बैरियर टूट गया और तुम लोग थ्री मदर्स और पैराग्राइन चाइल्ड के डर से पृथ्वी पर बचने के लिए आ गए, क्योंकि इतिहास गवाह है, जिन मुश्किलों का सामना हमने किया है उसे शायद ही किसी और डायमेंशन ने किया हो, पर मैं जानता हूँ कि वॉरलॉर्ड्स में से किसी एक ने मुझे नहीं मारा, क्योंकि जिसने मुझे मारा है वो चाहता था कि खून का इल्जाम मोर्डो पर लगे, क्योंकि मेरा कातिल मुझसे और मोर्डो दोनों से नफरत करता है और मेरा खून जिसने किया है उसे मैंने पर्पल डायमेंशन में सजा के तौर पर भेजा था, है ना काइसिलियस। और काइसिलियस हंसता है और फिर वो कहता है, मजा आया तुम्हें मारने में, मुझे सच में मजा आया, और अब तुम्हें फिर से मारने का मौका मिला है तो मैं तैयार हूँ। फिर हमें देखता है कि द थ्री मदर्स और चाइल्ड सीधे स्ट्रेंज और वॉरलॉर्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अचानक धमाके की आवाज आती है और एगमन कहता है, थ्री मदर्स और पेरेग्रैन चाइल्ड आ चुके हैं, और वो वहां से भागने लगता है। पर तभी डॉक कहता है, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, या तो हम मिलकर उन्हें हराएंगे या यहीं पर सबकी कहानी खत्म। फिर टिबोरो कहता है, मैं टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। डॉक कहता है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे टिबोरो, मेरे एक दोस्त ने इस जगह पर स्पेल लगा रखा है जिससे कोई भी यहाँ से टेलीपोर्ट नहीं हो सकता। टिबोरो कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, एक अकेला आदमी इतना खतरनाक स्पेल कास्ट नहीं कर सकता। डॉक कहता है, हाँ एक अकेला तो नहीं, बट जिस डॉक्टर स्ट्रेंज को तुमने मारा उसके काफी सारे दोस्त थे, और हमें दिख रहा होता है
वॉन्ग के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज की और भी कई दोस्त हैं जो इस स्पेल को कास्ट कर रहे हैं। फिर काइसिलियस और यंग डॉक फाइट करते हैं, पर काइसिलियस ही डॉक पर भारी पड़ रहा होता है और अचानक डॉक एक स्पेल कास्ट करता है और काइसिलियस डॉक पर चढ़कर कहता है, क्या था वो एक स्पेल? मुझे तो कुछ नहीं हो रहा स्ट्रेंज, तुम मजाक कर रहे थे क्या? स्ट्रेंज कहता है, मेरी सोल तुम्हारे शरीर में है और मेरे हाथ भी। एक रीजेनरेशन स्पेल जो तुम्हारे अंदर की सोल को हील करेगा, बस वही कास्ट किया है मैंने, लेकिन उसके लिए एक बॉडी की जरूरत थी जो कि तुम हो। अचानक काइसिलियस को कुछ होने लग जाता है और डॉक कहता है, मैं मास्टर ऑफ ब्लैक आर्ट्स हूँ काइसिलियस, जिस आदमी ने मेरा खून किया है उसे मैं इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ। और काइसिलियस नीचे बैठ जाता है और जब वो खड़ा होता है तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज में बदल जाता है और वो कहता है, क्या मैं? और यंग डॉक कहता है, हाँ आप सही सोच रहे हैं, लेकिन अभी वक्त नहीं है, एक वॉर चल रहा है जिसे आपकी जरूरत है। और इस तरह यंग डॉक ने अपने जादू की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज को वापस से जिंदा कर दिया। फिर हमें दिखता है कि बाहर एक्समैन और अवेंजर्स मिलकर द थ्री मदर से लड़ रहे हैं और अंदर यंग डॉक कहता है, डॉक मैंने आपका काम कर दिया, बस अब तुम अपना काम करो और प्लीज वो बात याद रखना जो मैंने कही है। और डॉक्टर स्ट्रेंज अपना क्लॉक पहनता है एंड फिर वो बाहर जाने को तैयार हो जाते हैं, पर यंग स्ट्रेंज प्रेजेंट वाले स्ट्रेंज से फिर से कहता है, बस वो बात याद रखना जो मैंने कही है, फिर सब ठीक होगा। और हमें दिखता है बाहर एक्समैन और बाकी हीरोज थ्री मदर्स और पैराग्राइन चाइल्ड से लड़ रहे थे, लेकिन द थ्री मदर्स ही उन पर भारी पड़ रही हैं। तभी वहाँ सॉर्चरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज आता है, वो सभी सॉर्चरर सुप्रीम्स को एक साथ जोड़ता है और एक स्पेल कास्ट करने लग जाता है। डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज सॉर्चरर सुप्रीम ऑफ अर्थ, इबोरो सिक्स डायमेंशन का सॉर्चरर सुप्रीम, आगमन पर्पल डायमेंशन का सॉर्चरर सुप्रीम, क्लिया डार्क डायमेंशन की सॉर्चरर सुप्रीम और इलियाना लिम्बो की सॉर्चरर सुप्रीम, और इनकी मिला के जो पावर बनती है उसके आगे तीनों मदर्स हारने ही वाली होती हैं, कि उनका चाइल्ड तभी उनको अपनी थोड़ी सी और पावर्स दे देता है और मदर्स अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हैं। तभी यंग स्ट्रेंज अपनी एस्ट्रल फॉर्म में आता है और पैराग्राइन चाइल्ड से भिड़ जाता है। पैराग्राइन चाइल्ड यंग स्ट्रेंज को पकड़कर अपने मुंह में डालने लगता है एंड ये देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज चिल्लाता है, नहीं, पर पैराग्राइन चाइल्ड यंग डॉक्टर स्ट्रेंज को खा लेता है और यंग स्ट्रेंज उसके पेट में जाकर कहता है, ओह तो आखिर ये काम कर गया, एस्ट्रल फॉर्म में चाइल्ड मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता और अब मैं यहाँ हूँ जहाँ वो सारा मैजिक मौजूद है जिसे अनगिनत सालों से इस चाइल्ड ने खाया है। इतना सारा मैजिक, इतनी सारी पावर, जैसे गैसोलीन बस एक चिंगारी के इंतजार में हो। और यंग डॉक्टर स्ट्रेंज पैराग्राइन चाइल्ड को अंदर से जलाने लग पड़ता है एंड फिर पैराग्राइन चाइल्ड के खत्म होने से वो तीन मदर्स भी खत्म हो जाती हैं। और इस तरह एक बार फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने पृथ्वी को बचा लिया एंड यंग डॉक वापस से अपनी दुनिया में चला जाता है और डॉक क्लिया से कहता है, क्लिया माय लव, यंग डॉक्टर स्ट्रेंज ने मुझसे एक डिमांड की थी, उसने मुझसे कहा कि मैं एक फूल हूँ जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसने कहा कि अब मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक तुम्हें अपना साथ रखूंगा। लिया कहती है, मैं तुम्हें अब कोई वैसी गलती नहीं दोहराने दूंगी स्ट्रेंज, और स्ट्रेंज कहता है, पर वो एक मामले में गलत था, मैं एक बार मर चुका हूँ, मेरा मरना तय है, हम डेथ को चीट नहीं कर सकते। लिया कहती है, मैं डेथ से भी लड़ने को तैयार हूँ। डॉक कहता है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं जानता हूँ ये करना सही नहीं है, पर मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए ये एक जिम्मेदारी संभालो क्योंकि मुझे किसी और पर विश्वास नहीं। लिया कहती है, कहो स्ट्रेंज, और फिर डॉक और क्लिया किस करते हैं एंड डॉक का आखिरी समय यहीं पर खत्म हो जाता है और क्लिया के हाथ में डॉक अपना क्लॉक और आई ऑफ एगोमोटो को छोड़ जाता है। दोस्तों, एक तरह से ये हमारे प्यारे डॉक्टर स्ट्रेंज द सॉर्सरर सुप्रीम ऑफ अर्थ का एंड था, बट किसी और के लिए ये एक नई शुरुआत है। जी हाँ, क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज की बिलव वाइफू जो कि डार्क डायमेंशन से है, उसका मैजिक कितना डार्क है वो हमने पूरी कहानी में कुछ कुछ जगहों पर तो देख ही लिया एंड ये शुरुआत जरूर धमाकेदार होगी। इसलिए चैनल पर बने रहना क्योंकि इस चैनल पर डेथ ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद की कहानी यानी मिसेस स्ट्रेंज की न्यू कॉमिक की कहानी भी मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं और वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट कर दो अगर आप दिल से डॉक्टर स्ट्रेंज के फैन हो तो। आई जस्ट होप डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से किसी ना किसी तरीके से मार्वल कॉमिक्स की दुनिया में वापस आ जाए एंड अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज की कोई और पुरानी तगड़ी कॉमिक्स देखना चाहते हो जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज डैमनेशन, इस कॉमिक के दौरान पूरी दुनिया लगभग गोस्ट राइडर में बदल गई थी और डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही सबको बचाया, और एक और कॉमिक है डॉक्टर स्ट्रेंज द ओथ, उसमें भी डॉक्टर स्ट्रेंज मर के फिर से जिंदा हुआ था एंड लिटरली वो कमाल की कॉमिक है। इन दोनों में से किसी भी कॉमिक की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कॉमिक का नाम लिख देना। तो मुलाकात होगी आपसे फिर एक नई वीडियो में। धन्यवाद।